सो गाइस, हम सभी हमेशा सोचते हैं कि किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं, अच्छाई या फिर बुराई। लेकिन हमारी ये सोच गलत है शायद, क्योंकि हमारे इस कहानी के तो दोनों ही पहलू बुरे हैं। तो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए कमाल की एक्शन एडवेंचर से भरी हुई स्टोरी, विक्रम वेदा। स्टोरी वाकई में बहुत कमाल की है, इसलिए स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 व्यू हुए। जीवन पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देखिए, तो उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना ये आइडिया अटैच कर दीजिए। ध्यान रखिए, स्टोरी विक्रम वेदा की है, तो स्टोरी वाकई में बहुत कमाल की है। इंटरनल से इंफॉर्मेशन आई है इंस्पेक्टर, पॉर्गेट्री गैंग के कुछ लोगों को हैंगर में देखा गया है। टीम लो और तुरंत वहां जाओ। पर सर, हम लोग कैसे? तुम फिक्र मत करो इंस्पेक्टर, इस ऑपरेशन को विक्रम लीड करेगा। तुम अपनी टीम लो और वहां जाओ। ओके सर, इंस्पेक्टर्स। भाई, हमें भैया से मिलना है, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बस अभी थोड़ा मामला गरम है बाहर, इसलिए वो आउट ऑफ नेटवर्क है। हाँ भाई, वो हम समझ रहे हैं, पर बस आप हमें उनसे मिला दीजिए। इंस्पेक्टर, तुमको क्या लगता है, अगर ये लोग हमको पकड़ लेंगे तो हमारे साथ क्या करेंगे? काहे ऐसा मजाक कर रहे हैं सर, हमारी पहले ही फटी पड़ी है। तो फिर तुम पुलिस में कहाँ आए? और डरो नहीं, विक्रम सर आ रहे हैं। विक्रम सर? क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? बस नजर रखे हुए हैं सर। बढ़िया, हम मिलकर आते हैं। ठीक है सर। कहाँ बोले सर? मिलकर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कोई मूवमेंट हो तो फायरिंग के लिए सोचेगा नहीं। ठीक है सर, संभल के। अभी तो मुंह को मत सिखाओ। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा, बस एक बार वेदा भाई। अरे ये क्या, कौन है बे तू? समझ लो मेहमान है, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने का हमारा मन नहीं, और हमें पहचान लो इतना तुम में दम नहीं। ठीक, क्या? खैर देख बेड़े, जो भी है तू चुपचाप चले जा यहाँ से, हमसे टकराना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। ये तो और भी बढ़िया है, क्योंकि हल्के काम तो मैं करता ही नहीं, देखना चाहता है मैं क्या कर सकता हूँ। क्या? तो ये देख। कुछ भी तो नहीं हुआ बे। साले बेइज्जती करवाएंगे। इंस्पेक्टर्स फायरिंग। क्या भाई, पुलिस वाला है साला। अबे बड़े जल्दी पहचान गया बे। वैसे कुछ भार की बातें कर रहा था तू, तो सुन, भार नहीं ये तेरी हार है, देख सामने खड़ा तेरा संहार है। सर सॉरी सर, पर ये लड़के को हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, बुराई के साथ हमेशा बुराई खड़ा होता है, शकल से नहीं, इंसान संगत से बड़ा होता है। पर सर, बिना वेरिफिकेशन के कैसे? वो मैं देख लूंगा, पलक झपकते ही सब कुछ मिटने को जा रहा था, ये अंत नहीं, एक नए जंग का शुरुआत होने जा रहा था। ये क्या कर दिया सर आपने, बिना वेरिफिकेशन के मार दिया। बुराई का मिटना जरूरी है इंस्पेक्टर, वेरिफिकेशन नहीं, मामला सेट करो, लगना चाहिए इन्होंने पहले फायरिंग की है। हाँ सर, विक्रम सर ठीक कह रहे हैं, पहले उन्होंने ही फायरिंग की थी। क्या बकवास है ये तुमने क्या किया विक्रम, उन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, ऊपर से सवाल आ रहे हैं, कंटिन्यू प्रेशर बढ़ रहा है हम पर, क्या करें अब हम? ऊपर क्या कहना है और मीडिया से क्या कहना है, इन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है सर। हाँ, मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। तुमको समझ नहीं आ रहा क्या विक्रम, तुमने बिना वेरिफिकेशन के लोगों को मार दिया है, तुम पे कार्रवाई हो सकती है। पर जो मरे हैं वो कोई युग पुरुष तो नहीं थे सर, और मेरा मानना है दो पुलिस वाले मरे, उससे अच्छा 200 क्रिमिनल मर जाए। समझ सकता हूँ विक्रम, लेकिन इस वक्त मीडिया का ध्यान उस कांड से हटाना होगा, और उसका एक ही तरीका है, हमें इंटरनल से वेदा का लोकेशन पता चला है। बढ़िया, तो लोकेशन मुझे भेजिए सर, बाकी मैं देख लूंगा, क्योंकि वो खत्म तो कांड खत्म। पर विक्रम, वेदा है वो, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, उसकी कांड लिखे तो किताब भर जाए। डोंट वरी सर, वो कहते हैं ना, हर कोई अपने पाप का हिसाब खुद भरेगा, वो वेदा है तो विक्रम के हाथों ही मरेगा। अबे ये क्या, पागल है क्या, क्या हो रहा है बाहर? पता नहीं सर, चलकर देखना पड़ेगा। ये सब क्या है, कौन है ये? सर, यही तो है वेदा। क्या हुआ इतना सन्नाटा, हम कहीं डरा तो नहीं दिए सर? डरते हम किसी से नहीं, बस हैरान है कि तुम यहाँ खुद चलकर क्यों आए हो। काहे कि आप लोग तो हमें पकड़ नहीं पा रहे थे ना सर, तो सोचे कि हम खुद ही आप लोग की थोड़ी मदद कर दे, तो चले आए। हमने सुना है कि तुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। चुपचाप अपनी गुनाहों को कबूल कर ले, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा साले। मैं तेरी सजा कम करवा सकता हूँ, बस तुझे हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तूने यहाँ आके पहले ही गलती कर दी है, जुबान खोल वरना एनकाउंटर में मार दूंगा। ये साला वेदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात है, पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है, साला क्या लोमड़ी दिमाग है।
क्रिमिनल दिमाग है सर, और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया, असली सवाल तो ये है कि ये अंडरग्राउंड सेफ था तो बाहर ही क्यों आया। अबे और कब तक चुप रहेगा, हद है, ये साला तो जुबान ही नहीं खोल रहा सर, पता नहीं आया क्यों है। बोले ना सर, साला क्रिमिनल माइंड है। सर मे आई ट्राई? ठीक है विक्रम, पर ध्यान रहे, सिर्फ बात करना है, मारपीट नहीं। तुम लोग चलो इंस्पेक्टर। खुद सरेंडर किए हो, हमारा चेहरा देखने तो नहीं आया होगे, तो कुछ बोलोगे नहीं? बोलेंगे ना सर, एक कहानी सुनाए। तुम तो बोल रहे हो, मुझे लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था सर। बढ़िया, पर किससे कब और कितना बुलवाना है ये हम भी बहुत पहले समझ गए थे। इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं सर, कहिए हमारी कहानी सुनेंगे? इसमें सुनना क्या है, खूब जानता हूँ मैं तुम जैसों की कहानी, तुम जैसे 3600 से मिलता हूँ रोज, बुराइयों ने यहाँ तक पहुँचा दिया सर, यही बोलोगे ना? नहीं सर, आप और हम तो एक जैसे हैं, या कहें एक दूसरे की वजह से हैं। तुम कुछ भी बोल रहे हो। हाँ सर, आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अगर अंडरग्राउंड सेफ था तो बाहर क्यों आया। हाँ क्यों? आपको एक कहानी सुनाने आए हैं सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। भैया जी, वो हमने माल उतरवा लिया है, इस बार क्वांटिटी ज्यादा है, धंधा भी बड़ा होगा। धंधा बढ़े इसलिए तो तुम यहाँ खड़े हो बे, अपने लड़कों में माल भिजवा दो, 7 दिन में पैसा वसूल लेना। ठीक है भैया जी, वो सब हम देख लेंगे। भैया जी गजब हो गया भैया जी, वो बाबू को कुछ लोगों ने उठा लिया है। उठा लिया मतलब का बे, किडनैप बोल रहे हो का? हाँ भैया जी, हमारे इलाके से ही किसी ने बाबू को उठा लिया है, 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं भैया जी। अबे तो पता लगाओ कौन है, अगर बात लोगों तक जाएगी तो साले हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या हुआ बे, ये कहाँ सुनने को मिल रहा है, हमारे एरिया में किडनैपिंग? अबे वेदा थोड़ा धीरे बोलो, भैया जी बम आए हुए हैं। हाँ तो इसमें क्या गलत है बे, अगर कोनो तुम्हारे एरिया में घुस के पकड़ करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अबे उसी गुस्सा के चक्कर में वो हम लोग को भी पेल देते हैं, और तुमको कुछ बोलना है तो वहाँ जाके बोलो, हमारे पास बोलोगे तो कोई मतलब ना है। हाँ वैसे तुम बोल तो ठीक रहे हो बे, तुम साला किसी काम के नहीं हो, हम भैया जी से खुदा ही बात कर लेंगे। सच बोल रहे हो बे? कभी झूठ बोले है का बे? माँ कसम साला सच में चला गया, ये वेदा पागल हो गया है, वो सब अभी तक तो नहीं पता भैया। भैया जी वो हम कुछ कहना चाहते हैं भैया जी। कौन कौन है भैया? इसका नाम वेदा है भैया जी, गैंग में नया नया शामिल हुआ है। अबे वेदा चले जाए यहाँ से। पर हम कुछ कहना चाहते हैं भैया जी। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है कि तुम डायरेक्ट हमसे बात करो। हाँ भैया जी, पर हम कुछ कहना चाहते हैं, आप बस एक बात हमारी बात सुन लीजिए भैया जी, अगर उसके बाद भी आपको हमारी बात गलत लगी ना तो आपको जो ठीक लगे आप हमारे साथ वो कर लीजिएगा भैया जी। चुप कर बे, तू रुक रे, बोलने दे उसको, बोल बे क्या बोलना चाहता है। धन्यवाद भैया जी, हमको यही लगता है कि ये जो किडनैप हुआ है ना, इसमें कोनो बाहर का आदमी नहीं है भैया जी, इसमें कोनो अपना ही आदमी है। क्या क्या बकवास कर रहा है ये, अगर इस लौंडे की बात सही निकली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई तुम में से किसी को। अरे नहीं भैया जी, कहाँ आप इस लौंडे की बात पे आ रहे हो, आप जाके आराम कीजिए भैया जी, हम खोज निकालेंगे उस किडनैपर को, छोड़ेंगे नहीं भैया जी। बचना चाहिए भी नहीं वो, वरना ध्यान रहे कि इस परशुराम से तुम लोग भी नहीं बचोगे। ठीक है भैया जी। ये क्या कर दिया बे वेदा तूने, विश्वास जीतने के चक्कर में तूने आग लगा डाली साले। ऐसा खाली तुमको लगता है बे, पर हमको पता है हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है, आन दो किडनैपर को सामने, सबको पता चल जाएगा। ये साला कल का या लौंडा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, एक बार किडनैपर हमारे हाथ लग जाए फिर छोड़ेंगे नहीं इस कमीने को भी। हाँ भैया वैसे भी बहुत ज्यादा बोल गया है ये साला वेदा, अगर आप कहें तो साले को ठिकाने लगा दें। नहीं पहले किडनैपर पकड़ा जाए उसके बाद, वरना भैया जी हमको गलत समझेंगे। आपको क्या लगता है सर, हमारी बातों में कितना दम होगा? पता नहीं, पर कुत्ता ही कुत्ते की आदत पहचानता है, अब तुम्हें लगता है तो सच भी हो सकता है, पर परशुराम के आदमी उससे धोखा क्यों करेंगे। गुड क्वेश्चन, पर एक बात भूल गए सर आप, ये कहानी में सवाल करने का हक सिर्फ हमारे पास है, काहे कि हम वेदा हैं। परशुराम गैर कानूनी काम करता है और उसके लोग पैसों के लिए, तो लालच एक वजह हो सकता है ना, हमको भी यही लगा था सर, इसलिए हमने खाली जाल डाला और मछली खुदा ही फड़फड़ा गई। मुझे जाने दो अंकल। घर जाके भी क्या करोगे बे, तुम्हारा बाप तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, साले हमने तुम्हारे बदले सिर्फ 1 करोड़ रुपया मांगा था और उसने पैसा देने के बजाय अपने लोगों को हमें खोजने पे लगा दिया। पर अंकल आप भी तो हमारे पापा के लिए काम करते हैं ना, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए अंकल। चुप करो बे, बस 1 करोड़ 1 करोड़ दे दे तुम्हारा बाप,
फिर चले जाना तुम। वो बोल तो दिया था सर, पर वो उसको जाने नहीं देता। लालच है, आदमी को सुधर पाने नहीं देता। अबे वेदा, ये कहाँ ले आए? तुम्हारे शक में मरेंगे हम भी। अबे तुम तो सच बोल रहे थे बे। और नहीं तो कहा, झूठ से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हम वो भी देख लेते हैं जो औरों को दिखता ही नहीं है। अबे पर तुम कहाँ चल दिए? सुधारने, क्योंकि इनको सुधारना भी जरूरी है। सालों की आदत बहुत बुरी है। प्लीज अंकल, हमें जाने दीजिए। अरे बिटवा, अब रोने का टाइम खत्म, अभी अंकल लोग होंगे दफन। ये क्या बेवेदा, तू यहाँ तक आ गया? अब तुम्हारी चुल मस्ती बहुत बढ़ रही थी ना बबुआ, तो रोकने आ गए। हमको देख के अच्छा नहीं लगा का। उसे किसने मारा और कौन है तेरे साथ? अबे ये तो समझने की है बात, भला कोई खड़ा रहता है शेर के साथ? अरे बाप रे, अबे भाग। अबे बेटा भाग रहे साले, पकड़ो क्या उनको? भागन दे, साले प्यादे हैं, बिन वजीर आधे हैं। धन्यवाद भैया, आपने बचा लिया, अब मुझे घर छोड़ दीजिए। घबराओ नहीं बबुआ, हम आए तुम्हारे खातिर हैं। और ये गिद्धर का करेगा, हम इससे कई साथी रहे। आओ बैठो गाड़ी पे, छोड़ देते हैं। सर हमने मामला साफ कर दिया था, वरना ये गिद्धर ने तो धंधा बर्बाद कर दिया था। बाबा वो गिद्धर अंकल ने आपको पकड़ के रखा था बाबा। तुम फिक्र मत करो बबुआ, हम छोड़ेंगे नहीं उस कमीने को। पर तुम आ गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ बाबा, ये वेदा भैया ने मार के ही गिद्धर से बचाया हमको, वरना वो हमको मारना चाहता था बाबा। ठीक है, पर तुम अंदर जाओ बिटुआ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। माफ करना वेदा, हमने अंडर एस्टिमेट किया था तुमको, पर तुमने हमारे बबुआ को बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से तुम भी हमारे खास आदमी। आपने हमको समझा, हमारे लिए इतना ही काफी है भैया जी, हमको और कुछ नहीं चाहिए। नहीं वेदा, रखो, आज से गिरधर का पद और ये सम्मान तुम्हारा है। तुम वाकई में काम के हो वेदा। शुक्रिया भैया जी, हम धंधे से गद्दारी नहीं करेंगे। जिस तरह किसी कहानी के दो पहलू होते हैं ना सर, उसी तरह किस्सों के भी होते हैं। क्या मतलब? डूबे सर, काहे कि गिरधारी की जगह जब हमको मिली तो हमको जितनी खुशी थी उतना ही दुखी था डूबे, काहे कि लोगन को जल्दी पसंद नहीं करते ना सर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है वेदा, एक अच्छा काम करके भैया जी को याद तो रखा जा सकता है, पर उनके पास नहीं। लगता है कहीं आग लगी है दुबे, धुआं यहाँ तक आ रहा है। खैर उन सब की फिक्र तुम मत करो, क्योंकि वो सब हम खुद ही देख लेंगे, भैया जी के साथ भी और भैया जी के बाद भी। ये तो जलन है सर, दूसरों की कामयाबी लोगों को खूब चुभता है, और कोई आगे निकल जाए तो इंसानों को ले डूबता है। सच कहें तो तुम्हारे कहानी का कुछ पहलू हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम हमें उलझा रहे हो या हम खुद उलझते जा रहे हैं? सब पता चलेगा सर, अभी हमने कहानी पूरी कहाँ की है, पहले पूरी कहानी सुनिए। तो ध्यान से सुनो बे, खबर मिली है कि पुलिस आज यहाँ रेड करने वाली है, इसलिए समय से पहले पूरा माल खाली करना है। ठीक है भाई, हो जाएगा, वैसे भी यहाँ ज्यादा माल नहीं रखा है, बस एक आदमी और भेज दीजिएगा। ठीक है, तुम काम शुरू करो, मैं देखता हूँ। अब क्या करूँ, आज तो सब लोग लोडिंग के लिए गए हैं, आदमी कहाँ से लाऊं? भैया जरा सुनिए। क्या हुआ बे, अंदर आकर बोलो। वैसे ये लड़का भी ठीक है, पैसा दे के बात कर लेता हूँ। भैया वो हमको वेदा भैया से मिलना था, थोड़ा बुला दीजिए। वेदा, उससे काहे के मिलना है तुम्हें, उससे क्या काम है? भैया वो हम उनके छोटे भाई हैं, कुछ पैसे चाहिए थे स्कूल के लिए, बुला दीजिए। देखो वो तो अभी यहाँ नहीं है, पर पैसा हम दे सकते हैं तुमको, उसके बदले तुमको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमारा। काम? का काम? थोड़ा सा ड्रग्स का पैकेट बाकी है, ले जाके गोदाम तक छोड़ दो और हमसे पैसा ले लो। नहीं भैया, ये सब काम करने के लिए भैया ने मना किया है हमको। अबे भूल जा क्या बोला है तेरे भैया ने तुझसे, चुपचाप ले जाके ड्रग्स का पैकेट छोड़ा, वरना। अबे पुलिस? नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई ड्रग्स का पैकेट छोड़ने नहीं जाएंगे, हम ड्रग्स का काम नहीं करते भैया। ड्रग्स? किस बारे में बात कर रहे हैं लड़के, कौन सा ड्रग्स? नहीं पुलिस अंकल, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ सच सच बता दे बच्चे, वरना तू भी थाने की हवा खाएगा इसके साथ। थाना? नहीं पुलिस अंकल, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, हम तो बस अपने भैया का पता करने आए थे, ये अंकल जबरदस्ती हमें ड्रग सप्लाई करने बोल रहे थे। बढ़िया, अब जाके आया दुबे तो हमारे हाथ, नहीं छोड़ेंगे तुझे। बच्चे तुम जाओ यहाँ से। और तू बे दुबे, चल आज तुझे हवालात की सैर कराते हैं, बिरयानी पसंद है ना तुझे, चल आज तुझे हवा पानी खिलाते हैं। तो अब आप बताइए सर, गलती किसकी है, बच्चे की या दुबे की?
कुछ गलती तो बच्चे की भी है, लेकिन दुबे बड़ा था, उसे समझदारी रखनी चाहिए थी। वही तो सर, समझदारी रखनी चाहिए थी ना, पर दुबे समझदार लोगों में से कहा था। कहाँ है वो कुत्ते का पिल्ला, अभी तक आया क्यों नहीं बे? इसी रास्ते से ना जाना करता है भाई, बस आ ही रहा होगा। आन दे कमीने को, छोड़ूंगा नहीं साले को। देखो भाई, वो आ रहा है साला। अरे भैया आप माफ कर दीजिए भैया, उस दिन गलती हो गई थी हमसे, हम पुलिस वालों को नहीं देख पाए थे। चुप कर बे साले गंदी नाली के कीड़े, तेरी वजह से दुबे को जेल जाना पड़ा, हमें तुझे तो छोड़ेंगे नहीं हम, मार डालो इस साले को। हमने जानबूझ के नहीं किया था भैया, पर हम कर रहे हैं, चलो बे मरने के लिए छोड़ दो साले को। सर कभी खून देखकर भी नहीं डरे हम, पर जब बात भाई की आई तो इंतजार नहीं कर सके हम। कक्का हुआ है मैडम इसको, ठीक ठीक तो हो जाएगा ना मैडम ही। अरे सर आप इतना मत घबराइए, अब ये खतरे से पूरी तरीके से बाहर है, बस फेस पे कुछ चोट लगी है जिनका मिटना जल्दी नहीं हो पाएगा। भैया हाँ हाँ कृष्णा बोल। हम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी तो नहीं हुआ है हमें। बस कर छोटे, और कितना झूठ बोलेगा, हमें सब पता चल गया है हमारे पेट पीछे क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं भैया बस बहुत हुआ, अब तुम चुपचाप आराम करो, हम कुछ काम पूरा करके आते हैं। उस दिन एक बात तो हमारे लिए तय था सर, कि अब हमें और नहीं सहनी है और हम चुप बैठ जाए, हमने चूड़ी थोड़ी पहनी है। क्या किए दुबे, अगर तुम हमसे टकराते तो फिर भी बच जाते, पर हमारे भाई से टकराए हो, मतलब अपनी किस्मत में मौत लिखवाए हो। एक गलती एक सजा सर, आज के लिए इतना ही। क्या मतलब? मतलब तो आपके पीछे है सर। मैं लॉयर हूँ वेदा जी का, आप इन्हें कानूनी तौर पे और यहाँ नहीं रख सकते, इन्हें छोड़ना होगा। हाँ विक्रम, मैंने पूरे पेपर्स रीड कर लिए हैं, हमें वेदा को छोड़ना होगा। चलिए वेदा जी, अब और आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चलते हैं सर। साला अंदर आया ही था बाहर निकलने के बंदोबस्त के साथ। एक सवाल का जवाब तो देकर जाओ वेदा, तुमने दुबे को भाई प्रेम में मारा या क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए? गुड क्वेश्चन, पर आप फिर भूल गए ना सर, इस कहानी में सवाल सिर्फ हम करेंगे, कहानी के बाद भी और कहानी के साथ भी। वो आया अपने हिसाब से था, जा भी रहा अपने हिसाब से था, जो कहानी वो सुना गया वो सच्ची थी, यह सब उसके ख्वाब से था।